जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये आपको वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन से कराई जाएगी, जहां हम प्रैक्टिकली इसे प्रैक्टिस करेंगे। ये एक्चुअली एक थेरेपेटिक ट्रीटमेंट है, जिसमें एंशंट हीलिंग आर्ट, जिसे हम एक्यूप्रेशर कहते हैं, उसे और साइकोलॉजी को मिक्स करके हम सारे डिजीजेस को क्योर करने की कोशिश करते हैं। ये हर तरीके के फिजिकल साइकोलॉजिकल इश्यूज को क्योर कर सकता है। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, आजकल बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं घुटनों का दर्द। तो जिन जिन के घुटनों का दर्द है, वो इससे क्योर हो सकते हैं। किसी भी तरीके का जॉइंट पेन क्योर हो सकता है, दांत में दर्द है, नसों की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, वेट लॉस, गैस प्रॉब्लम्स, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, किडनी और हार्ट के इश्यूज को भी क्लियर कर सकते हैं। देन साइकोलॉजिकल इश्यूज कौन कौन से क्लियर होते हैं इससे? इमोशनल प्लेन पेन जो आप कैरी कर रहे हैं, काफी टाइम से आपके मन में कोई ऐसी बात है, कोई उदासी है जिसे आप कैरी कर रहे हैं, तो उसे हम रिलीज करते हैं। ऑब्वियसली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हम, सो वी रियली मीन दैट के हम लोग मिलके इस जर्नी में इस पार्ट को हील करेंगे। उसके अलावा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल इश्यूज, इट इंक्लूड्स किसी भी प्रकार का डिप्रेशन है, एंजाइटी है, एडिक्शंस हैं, जो कि आज की डेट में चैलेंज बन चुके हैं, तो उन्हें क्योर करने में ये बहुत हेल्पफुल है। फिर किसी भी प्रकार के फेयर्स हैं, ट्रॉमास हैं, लेजीनेस, मूड स्विंग्स, एंगर इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, इन सब को हम इसी ईएफटी टेक्निक से हील करते हैं। अब ईएफटी में आप सीखने क्या वाले हैं? पहली चीज इंट्रोडक्शन, कि ये कौन सा हीलिंग टूल है, और एविडेंस बेस्ड रिसर्च है। वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर, दिस हैज आल्सो बीन ट्राइड ऑन डॉक्टर्स। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मौका दिया था, वेर इन आई वॉज एट अ प्लेटफॉर्म जहां पे जितनी फीमेल डॉक्टर्स हैं उनको इसके बारे में नॉलेज दी गई, और उनको हमने ईएफटी टैपिंग से काफी चीजों में मदद की। देन इंट्रोडक्शन टू एनर्जी, बॉडी डिटेल्ड और अलग अलग टैपिंग पॉइंट्स के बारे में। फिर हमारे टैपिंग पॉइंट्स कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं और कैसे हम डिजीजेस को इमोशंस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद ईएफटी फॉर वेट मैनेजमेंट, फिजिकल पेन, जॉइंट पेन, देन लर्निंग टू क्राफ्ट ईएफटी, अंडरस्टैंडिंग द टैपिंग सीक्वेंस और इससे रिलेटेड गोल्डन रूल्स क्या क्या है, ईएफटी फॉर एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, एंगर एंड इरिटेशन। तो ये सारा कुछ हम इसी में कवर करने वाले हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हम ईएफटी को अलग अलग चीजों में यूज करेंगे, जैसे इमोशनल इम्बैलेंसेस को हील करने में, देन टू ट्रैक द प्रोग्रेस, कैसे हम अपना प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स को हील करने के लिए, ब्लड प्रेशर और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, देन ओसीडी के लिए, रिलेशनशिप टैपिंग, फिर लिमिटिंग बिलीफ्स टैपिंग, अर्थराइटिस की थेरेपीज, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और थेरेपी जो कि हम किडनी लिवर से रिलेटेड एलिमेंट्स में देते हैं, फिर रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो ऑल दिस वुड बी कवर्ड। अब ये सब आपको वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन से बताया जाएगा, ऑडियोज शेयर किए जाएंगे, पीडीएफ्स होंगे, सेशन के समराइज नोट्स मिलेंगे आपको, और जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद यू विल बी गिवन सर्टिफिकेट फॉर द सेम। सो दीज आर द कोर्स कंटेंट्स दैट वील बी कवरिंग, या वो चीजें जो हम इस जर्नी में सीखेंगे। अब बात करते हैं कि ईएफटी बेसिकली है क्या।
और EFT क्यों सीखना चाहिए? ओके, सो जैसे कि आपको पता है, हमारा ब्रेन जितना छोटा है उतने ही कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन के सिस्टम्स हैं। जो आप ये स्लाइड देख रहे हैं, इसमें ब्रेन का एक डिजिटल डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इमोशंस स्टोर्ड हैं, जहाँ पे खुशी भी है, प्यार भी है, दुख भी है, अच्छे बुरे दोनों एक्सपीरियंसेस हैं, तो जेलेसी भी है, हेट्रेड भी है, हर चीज है इसमें। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट दोज इमोशंस जिनकी हमें अपनी ग्रोथ के टाइम पे जरूरत नहीं पड़ती, वो इमोशंस जो हमारी ग्रोथ में बाधा का काम करते हैं, जैसे गुस्सा। गुस्सा क्या करता है? आपके साथ किसी ने बुरा किया, आपको गुस्सा आया, अब उस गुस्से में आप हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे कि आप उसको उसके इक्विवेलेंट दुख दे सके या चोट पहुंचा सके। तो उसमें क्या रहता है कि ऐसे केसेस में हम खुद ही का नुकसान कर बैठते हैं, कार्मिकली भी नुकसान करते हैं, इमोशनली भी करते हैं। तो ऐसे इमोशन से फ्री होने के लिए हम ये टेक्निक सीखते हैं। नाउ ये क्या है हमारे पास? वी आर ऑल गिफ्टेड बाय द पावर ऑफ इमेजिनेशन, जो हमें इनफाइनाइट बना देता है। हमारी कोई लिमिट नहीं है, हम इमेजिन करते हुए यहाँ बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन बिकम एनी वन एंड एनी पर्सन। तो उसी तरीके से एक यही इमेजिनेशन पावर को यूज करके, अपनी पावर्स को यूज करके हमारी कोशिश है कि हम अपने एलिमेंट्स से रिकवर कर सके। एक डॉक्टर का कहना है कि 85% जो डिजीजेस हैं उनका कारण हमारे इमोशनल इश्यूज हैं जो अनरिजॉल्व्ड हैं, जिनके बारे में लोग बात नहीं करते। तो जब हम उस पे EFT करते हैं तो वो एक हीलिंग टूल बन जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, ये गैप को ब्रिज कर लेते हैं, इमोशनल गैप को ब्रिज करते हैं। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इससे हम एक दिन रिकवर कर जाएंगे। नाउ इमोशनल फ्रीडम टेक्निक अगर हम देखें तो 1997 से काम कर रही है। इसके अगर हम रूट्स देखें तो रूट्स कहाँ से, आप नीचे देखेंगे तो एक्यूपंचर, चाहे वो चाइनीज है, चाहे वेस्टर्न है, चाहे जापानीज है। फिर उसके बाद ये सब मिलके अप्लाइड काइनेसोलॉजी के साथ मिले, देन NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, बिहेवियर काइनेसोलॉजी, फिर थॉट फील्ड थेरेपी, इन सब का मिला के जो निचोड़ निकला वो निकला इमोशनल फ्रीडम टेक्निक में, विच वॉज इन 1997। एक बहुत छोटा सा आपको एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी। देखिए आपके सामने आप एक स्पाइडर को देख पा रहे हैं, एक स्पाइडर की इमेज को देख पा रहे हैं। अब कई लोगों के लिए क्या है कि स्पाइडर्स को ये लोग या मकड़ी को बहुत डेंजरस समझते हैं। तो उस समय क्या होता है, अगर आपके सामने किसी सरफेस पे एक स्पाइडर चल रहा हो, आपके ब्रेन को मैसेज मिलता है और इमोशन कौन सा रिलीज हो रहा है, डर का। तो ऐसे में फीलिंग क्या आती है, या तो बहुत जल्दी जल्दी हार्ट रेट बढ़ जाता है, पाम्स में पसीना आ जाता है, या आप उस समय फ्रीज हो जाते हो। तो बिहेवियर क्या आएगा, जो मैसेज ब्रेन देगा, बिहेवियर देगा या तो वहां से भाग जाओ, या इसको मार दो, या फिर कॉवर। तो इसमें से हम जो चूज करते हैं, हम अपने उस इमोशन से डोमिनेंटली रूल होते हैं। सो दिस इज कि हमारे माइंड में ऐसे डिस्ट्रप्शन थॉट्स कैसे आते हैं,
ये आते हैं इनसिक्योरिटी की वजह से, डर की वजह से। नाउ अब सबसे ज्यादा जो हम फेस करते हैं, किसी भी ट्रिगर से हम कैसे रिएक्ट करते हैं। सपोजिंग आप एक प्लेस पे हैं जहां एवरीबॉडी इज पॉइंटिंग आउट, आपको ब्लेम कर रहे हैं, ऐसे में आपके मन में कौन कौन से इमोशंस आएंगे। आपके मन में एंगर आएगा, शर्म आएगी, जलन आएगी और डर भी आएगा। बिहेवियर क्या रहेगा, या तो आप रिपल्सिव बिहेवियर शो करोगे जहां पे आप उस चीज को मार के खत्म करना चाहोगे, या आप उस सिचुएशन से भागना चाहोगे। फिजियोलॉजी क्या रहेगा कि आपका गुस्सा बढ़ेगा, आपके दिल की धड़कन बढ़ेगी और कई बार पसीना आना शुरू हो जाता है। बिलीफ क्या हो जाता है इससे, इससे बिलीफ हो जाता है कि आप ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकते, और ये बिलीफ आपको दूसरे दिलवाते हैं आपके खुद के बारे में। तो फिर इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस हिल गया। कॉन्फिडेंस हिला, देन एक्सप्रेशन का जरिया हिल गया, जिसकी वजह से थ्रोट चक्रा गॉट ब्लॉक्ड। अब थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है तो बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं। थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आप थायराइड से पीरियड हो सकते हैं, आपको बात बात पे खांसी उठेगी, आप अपनी बात रख नहीं पाएंगे, या आप चीजों को छुपाएंगे और झूठ बोलेंगे। तो ये क्या है, ये रिजल्ट है उन इमोशंस के जो उस पल में आपके मन में आए। अब ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स दे गए, अगर हम वन बाय वन भी इन्हें क्योर करना शुरू करेंगे, इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हमारा बिहेवियर किस चीज से गवर्न होता है बेसिकली, अगर हम देखें तो हमारा बिहेवियर सबसे पहले गवर्न होता है जरूरतों से, पे ऑफ से, एंड देन ऑल अबव इज बिलीव्स, कि हम किस में विश्वास रखते हैं। अगर किसी चीज में विश्वास रखते हैं, अगर खुद पे विश्वास रखते हैं कि हम ये कर सकते हैं, तो हम करते हैं। उसके बाद होता क्या है कि पे ऑफ्स और जरूरतें, उसको हम देखते हैं एज रिएक्शन। फिर अगर फीलिंग्स को हम देखें, फीलिंग्स एंड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट। अब अगर आप देखें सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी कि सिर दर्द होना, चक्कर आना, तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर कौन सा इमोशन है उस समय, आप ये सोच रहे हो कि कुछ आपके साथ गलत है, समथिंग इज रॉन्ग। अगर बाल बहुत झड़ते हैं तो आपके खुद के अंदर जो इनर स्ट्रेंथ है उसकी कमी है, या किसी प्रकार का टेंशन या स्ट्रेस है। देन अगर सुनने में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि आप सुनना ही नहीं चाहते कि आपके आसपास क्या जा रहा है। और दूसरी चीज कि आपके अंदर गुस्सा है उस चीज का जो आप सुन चुके हो, इसलिए यू आर नॉट बॉदर्ड नाउ। फिर स्टमक रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसका मतलब होता है कि आप नई चीजों को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे, नए आइडियाज को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे, राइट? अभी हम बहुत छोटी सी चीज करेंगे। आप सभी ने होपोनोपोनो के बारे में सुना है, राइट? होपोनोपोनो एक हवाईयन टेक्निक है जिसमें हम सिर्फ चार लाइंस बोलते हैं। वो चार लाइंस होती है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, राइट? अब हमें क्या करना है, हमें ये चार लाइंस बोलते हुए टैप करना है कुछ पॉइंट्स पे अपनी बॉडी के, अपने फेस के पॉइंट्स लेते हैं चलिए पहले, ठीक है? एक तो हम स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से, इसे हम कराटे चॉप बोलते हैं।
राइट। तो फर्स्ट पॉइंट है कराटे चॉप। आप लोग प्लीज मेरे साथ इस पॉइंट पे टैप कीजिए, बहुत जेंटली टैप करना है अपने हाथ की फिंगर्स को यूज करके। मैं तो फर्स्ट 2-3 फिंगर्स ही यूज करती हूँ, बहुत जेंटली टैप कीजिए। राइट, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है आपकी राइट आईब्रो के ऊपर, सेकेंड पॉइंट। बहुत जेंटली आप टैप करेंगे, राइट। थर्ड पॉइंट है आपकी राइट आंख के पास में, दिस इज द थर्ड पॉइंट। राइट, फोर्थ पॉइंट है आपकी आंख के नीचे, दिस इज द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है आपके लिप्स के ऊपर, दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज ऑन योर कॉलर बोन, आपके गले के नीचे कॉलर बोन पे, ये आपका सिक्स्थ पॉइंट है। सेवेंथ पॉइंट हमारा क्राउन चक्रा पॉइंट है। तो अभी हम क्या करेंगे, एज आई मेंशन, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेन, राइट। तो अब हम इन 7 पॉइंट्स पे टैप करेंगे। आप लोगों में से जितने लोग कंफर्टेबल है कैमरा ऑन करने में, यू कैन प्लीज डू इट एंड देन प्रैक्टिस सो दैट आई नो कि आप सही तरीके से कर रहे हैं, राइट। तो इसमें मैं कंटिन्यूसली अफर्म करूंगी होपोनोपोनो के अफर्मेशंस। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू, राइट। तो हम क्या करेंगे, वील स्टार्ट विद द कराटे चॉप। आप लोग साथ साथ करिए प्लीज, जेंटली। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, 3 बार अफर्म करूंगी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। नाउ चेंज टू द आईब्रो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। चेंज, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। चेंज, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। चेंज, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। चेंज,
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू. सो करेंटली व्हाट वी डिड वॉज, हमने सिर्फ अपने फेशियल पॉइंट्स को कंसिडर किया और कराटे चॉप को, और हमने होपोनो पोनो किया, राइट? ये अभी हमने सिंगल राउंड किया. अब जब इन्हीं पॉइंट्स को, इनफैक्ट ये अकेले नहीं है, देर आर 18 पॉइंट्स, 18 पॉइंट्स पे जब हम टैपिंग करते हैं यूजिंग डिफरेंट अफर्मेशंस, तो हमारी बॉडी के वो पर्टिकुलर ग्लैंड्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं. जो आज आपने किया, इसका असर आपको पता चल जाएगा इन टाइम टू कम. जैसे आपको अगर प्रॉपर नींद नहीं आती है, नींद आने लग जाएगी. अगर आप कहीं भी हेडेक या कुछ ऐसा महसूस कर रहे थे, तो उसमें आपको एकदम रिलीफ मिलता है. तो ऐसी बहुत सारी चीजों में आपको एकदम रिलीज होती है, आप हल्का महसूस करते हो एक्चुअली. तो ये सिर्फ एक स्टार्टिंग है. जो हम लोगों ने लास्ट टाइम, जो हमारा लास्ट बैच था ईएफटी का, उसमें कई लोग ऐसे थे हु साइमल्टेनियसली स्टार्टेड ट्रीटिंग पीपल अराउंड देम हैविंग प्रॉब्लम्स विद डिफरेंट एरियाज. जहां पे वी वर एबल टू ट्रीट पीपल हैविंग डायबिटीज, हैविंग नी पेन. नी पेन का तो ये सिस्टम था कि उनको सर्जरी के लिए बोला था, बट ईएफटी करते करते वो सर्जरी नहीं हुई एंड ही रिकवर्ड हिज नी पेन, क्योंकि उनका एक ट्रॉमा था जो वो रिलीज नहीं कर पा रहे थे, जो हमने ईएफटी के थ्रू रिलीज किया था. देन द मोस्ट चैलेंजिंग केस दैट वी गॉट इन द लास्ट बैच वॉज ऑफ अ लेडी हु कुडंट हियर एंड स्पीक. शी वॉज डेफ एंड डम. उनका ट्रीटमेंट एक पार्टिसिपेंट ने किया था, और उन्होंने सेम वही टेक्निक यूज करके, अफर्मेशंस यूज करके, उनके साथ प्रॉब्लम की क्या थी कि क्योंकि वो बोल नहीं पाती थी, वो सुन नहीं पाती थी, सो शी वॉज वेरी अग्रेसिव एंड वायलेंट. तो उनके घर वाले परेशान थे इस चीज से. तो थैंकफुली यस, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है. क्लास की रिकॉर्डिंग 2 साल तक आपके पास रहती है, आप लोग कभी भी देख सकते हैं. एंड इसमें क्या था कि उनका अग्रेशन, उनका एंगर इतना नीचे आ गया, देन शी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इन द वे शी कुड. तो घर वाले उस चीज से काफी खुश हो गए थे. तो ऐसे काफी सारे केसेस थे जो हम लोगों ने ऑनगोइंग सेशंस में हील किए थे. सो व्हेन वी आर इन द यू कैन से जर्नी, जहां हम प्रैक्टिकली अपने ऊपर पहले कर रहे हैं उसको टेस्ट, हम अपने ऊपर कर रहे हैं, एंड देन विद आर एक्सपीरियंसेस वी आर एबल टू हेल्प आउट पीपल. सो दिस वुड बी द एंटायर जर्नी अबाउट. ये जर्नी 2 महीने की रहेगी. 2 महीने तक हम इसमें बहुत सारी चीजें देखेंगे. आपके आसपास ऐसे कई केसेस होंगे, आपके फैमिली में होंगे वो लोग जिनके अलग अलग सिचुएशन से डील कर रहे हैं. किसी भी स्टेज पे मैं मेडिकल या मेडिसिन लेना बंद करना नहीं सजेस्ट करती हूँ. आपकी हेल्थ इंप्रूव करती है तो डॉक्टर ऑटोमेटिकली उस मेडिसिन को टेपर करके बंद कर देते हैं. सो वी हैव टू हैव दैट पेशेंस. So we'll have that patience and we'll work towards it.